फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, कारण ये है कि हमारे पास कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। रोज़ रोज़ वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो फाइनली आज हमारे साथ बिहार के आज़ाद भाई हैं। तो बहुत से लोगों का सवाल था कि भाई कोई एजेंसी के बारे में बताएँ कि जो कि जेन्युइन एजेंसी हो, तो इस बारे में हम आपको पूरे डिटेल में बताएंगे और आपको इन भाई से भी बात कराएंगे जो एजेंसी से आए हैं मुंबई से। तो इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी माल्टा के लिए ट्राई कर रहे हैं जॉब, तो इतना जल्दी और हड़बड़ी में ऐसा ना करें कि किसी के साथ बिना इंटरव्यू बिना किसी बात के 5-6 लाख रुपए दे के यहाँ आ जाएं, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत से लोग परेशान हैं, रो भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कैसे भी माल्टा आ गए तो पैसा कमाने लगोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आना है तो कोई अच्छा सा कंपनी देख के आओ, ताकि आपका जो मेहनत है उसका सारा पैसा आपको ही मिले, ना कि आपका मेहनत का आधा पैसा कोई एजेंसी वाला ले ले, कोई एजेंट ले ले, आधा पैसा आपको मिले। तो जब आप कोई ऑफिस से आओगे, इंटरव्यू करा के आओगे, तो आपका जो भी सैलरी लगेगा सारा का सारा पैसा आपको मिलेगा, सारा बेनिफिट मिलेगा। और बहुत सारा यहाँ पे कंपनी है जो फ्लाइट का टिकट भी देता है और वर्क परमिट का भी पैसा कुछ कंपनी देता है। तो जब आप एक जेन्युइन ऑफिस से जेन्युइन कंपनी में आएंगे तो सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी एजेंसी या फिर सप्लायर कंपनी में आओगे तो आपको ये सब बेनिफिट नहीं मिलेगा और परेशान हो जाओगे। तो हमारे साथ अभी हैं आज़ाद भाई, थोड़ा आप बता दीजिए कि आप जिस एजेंसी से आए थे उसका क्या नाम है और कितना पैसा लगा था, और थोड़ा हमारे भाई लोग को आप गाइड करें कि किस तरह से आना चाहिए माल्टा में। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आज़ाद अली हुआ जी, मैं इंडिया बिहार से हूँ। ठीक है, मैं ऐसे तो एक्सपीरियंस मेरा 20 साल का हो गया, गल्फ एब्रॉड में भी रहा मैं। ठीक है जी। और मैं कोरोना में घर आया था कंपनी से छुट्टी, फिर मैं आ नहीं पाया, एक साल मेरा घर पे था। अच्छा, तो मैं इसे सर्च कर रहा था इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे, हाँ वही इंस्टाग्राम पे ही मैं देखा था ओमान एजेंसी है मुंबई में। ओमान एजेंसी? हाँ, क्योंकि नॉर्मल पॉइंट में बहुत अच्छी एजेंसी है, क्योंकि मैं सऊदी गया, कुवैत गया, मैं मुंबई से ही ट्राई करके गया मैं। अच्छा, एक बात आप बता दीजिए कि माल्टा से पहले भी आप कोई देश में काम किए हैं? सऊदी में था मैं, कुवैत में था। ठीक है, यानी आपका एब्रोड का अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, उसके बाद आपने ट्राई किया ओमान एजेंसी मुंबई। हाँ, तो हमको लगा माल्टा का गेम देखा मैं, तो ऐसे हमारे यहाँ के आदमी पहले 98 में हमारे यहाँ के लोग थे माल्टा में। ठीक है जी, उस टाइम में वही कंपनी का था जी। तो ओमान एजेंसी में मैं अपना CV सेंड किया जी। ठीक है, और मेरा दोस्त एक थे सिवान के हैं ही, वही गाइडलाइन किया हम लोग को। अच्छा, उनका नाम हसरत हसन है जी। ठीक है, तो वो बोले कि अगर जाओगे तुम लोग तो बोलो, मैं ओमान एजेंसी में मेरा अप्रोच है। अच्छा, मैं भेजता हूँ CV भेजे। उसके बाद से ओमान एजेंसी पहले हम लोग को शॉर्ट लिस्टिंग किया, बहुत आदमी का CV गया। अच्छा, जिसमें मैं और एक मेरा दोस्त है हमारे साथ आया नेहाज जी, दोनों आदमी का शॉर्ट लिस्टिंग हुआ। ओमान एजेंसी का इंजीनियर इंटरव्यू लिया हम लोग का, एग्जैक्टली इंटरव्यू लिया जो हम लोग मैकेनिकल से हैं। ठीक है, अच्छा एक बात आप बता दीजिएगा, इंटरव्यू जो हुआ था आपका वो क्लाइंट के थ्रू हुआ था या ऑफिस इंटरव्यू? पहले ऑफिस इंटरव्यू हुआ हमारा। ओके, उसके बाद से 15-20 दिन के बाद से हम लोग को लिंक भेजा गया। अच्छा, उसके बाद से हमारा इंटरव्यू वीडियो कॉल से हुआ। अच्छा, स्काइप पे या किसी भी ऐप पे वीडियो कॉल पे इंटरव्यू हुआ? वीडियो कॉल पे हुआ था। ओके, जूम इंटरव्यू पे हुआ था। ओके ओके, जूम जी पे जी, हमारे कंपनी के जो GM थे वही इंटरव्यू लिए थे। अच्छा, हमारी कंपनी जो है, कंपनी का नाम नहीं रखेंगे जी, जी कंपनी यहाँ के बहुत पुरानी कंपनी है। ठीक है, लिमिटेड कंपनी है। अच्छा, तो ओमान एजेंसी वाले इंटरव्यू लिए, उसके बाद से हम लोग सोचा कि चलो भाई नहीं होता है, लगभग 8-9 महीने इंतजार करना पड़ा हम लोग को। ठीक है, तो भाई जो भी काम करेगा मेहनत तो अपना चार्ज लेगा ही उस टाइम में। ठीक है, तो हमारा 2-3 महीने के बाद ऑफर लेटर आया। अच्छा, ऑफर लेटर आने के बाद से ओमान एजेंसी से ही ऑफर लेटर आया। ओके, ऑफर लेटर ओमान एजेंसी से ही आया हमारा जी जी। और फिर ओमान एजेंसी के बाद से फिर जी ये जो लिंक आता है आइडेंटिटी माल्टा का, वो आया था। अच्छा, तो हमको उस टाइम में समझ नहीं था कि क्या मतलब हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद से हम लोग साइन करके भेज दिया और लिंक पे ये करके जी। उसके बाद से एग्जैक्टली 5 महीने के बाद से हमारा
BSF का अपॉइंटमेंट हमारे कंपनी लेके हमको भेजी। अच्छा, हम लोग गए 2-3 महीने में, मतलब आ गए जी। तो उससे बेहतर तो ओमान एजेंसी है ना। आपको टोटल कितना प्रोसेस लगा, यानी जब से आपने अप्लाई किया तो कितना टाइम लगा आपको माल्टा का वीजा मिलने तक? माल्टा वीजा मिलने में मेरे को लगभग 9 महीने लग गए। 9 महीना तो एक बात मैं यहाँ पे आप लोग को बोलना चाहूँगा कि बहुत से लोग घबरा जाते हैं, और एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मुझे लगभग 1.5 साल से ऊपर लग गया था माल्टा का वीज़ा लेने में। तो बहुत से लोगों का कमेंट आया कि भाई इतना टाइम नहीं लगता है, 1-2 महीने में मिल जाता है। तो भाई मैं उनको कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, यहाँ पे एक प्रूफ आदमी आपको मिला जो बता रहा है एजेंसी के थ्रू 9 महीना लगा। अगर आप खुद से भी ट्राई करते हैं तो कम से कम 5-6 महीना लग जाता है। आसान नहीं है यूरोप का वीज़ा लेना। देखिए भाई, तो अगर आना है तो कंपनी में आइए, ठीक है जी। और आप थोड़ा आके यहाँ पे जाइए, आइएगा, फिर काम खोजना, फिर काम परेशानी होता है। यहाँ पे सैलरी है, सैलरी टाइम पे तो मिलता है, हर कंपनी देती है, मगर क्या है कि काम खोजने में बहुत बुरा हाल है इधर। और काम आपको मिलेगा सही है, नहीं मिलेगा बैठ के खाएंगे। तो यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि माल्टा काम में परफेक्ट जानिए तो आइए। माल्टा में बहुत तरह से लोग आ रहे हैं, कोई डायरेक्ट कंपनी में आ रहा है, कोई किसी एजेंसी से आ रहा है, कोई ओपन परमिट पे आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ आने के बाद आपको प्रॉब्लम हो जाता है, काम भी ढूंढना पड़ जाता है, बहुत से लोग परेशान होते हैं। लेकिन डायरेक्ट जब कंपनी के एग्रीमेंट पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट काम पे लगना है और आपका लाइफ इधर सेट हो जाएगा। और एक लास्ट सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपका टोटल खर्चा कितना हुआ था यहाँ आने में एजेंसी के थ्रू? हमारा ओमान एजेंसी हमसे डॉलर में लिया था हम लोग से, ठीक है। अच्छा, और एक बार नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा करके लिया था, पहले 200 यूरो भेजा था, ठीक है, मतलब इंस्टॉलमेंट पे लिया था टोटल 2000। उसके बाद से फिर 600 यूरो फिर मांगा था। अच्छा, और बाकी जब वीजा वीजा हमारा लग गया उसके बाद से जो बैलेंस था वो 1000 यूरो या जो भी, मतलब वो मैं उस टाइम में दिया था। मतलब कि एजेंसी जो था वो टोटल पैसा एक बार में नहीं लिया, इंस्टॉलमेंट पे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे काम होते गया उस तरह से पैसा लिया। तो टोटल आप मतलब $2000 टोटल लगा आपका। हाँ, 2000। बाकी आप अपना खर्चा लेके यहाँ पे आए, जो भी खर्चा रहने का खाने का ये सब? नहीं नहीं, सब कंपनी दिया। अच्छा, सब आपको कंपनी? हाँ, और इनके कंपनी ने खुद एकोमोडेशन भी दिया है, रूम दिया, और खाना का पैसा दिया, खाना का भी देता है। और आए 3-4 दिन के बाद से काम भी लग गए, सैलरी भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। आज हमको 6 महीना हो गया, और प्रोविजन पीरियड चल रहा था वो भी क्लियर हो गया हमारा 6 महीना में, कोई कंप्लेन नहीं है। मगर यहाँ पे आइए तो भाई, काम आपको मालूम है तो ही आइए, सही है, नहीं तो काम मालूम नहीं है फिर मुश्किल है इधर काम। इधर कोई इंजीनियर या कोई आपको सुपरवाइजर आपको ड्राइंग देकर चले जाएंगे, आप खुद से ही काम कीजिए। तो यहाँ पे कोई बताने वाला, गाइडलाइन करने वाला नहीं, समझने वाली बात है, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ तो जो भी काम होता है उसका ड्राइंग हमको मिल जाता है, बाकी कोई बताने वाला नहीं आता है। कि गल्फ कंट्री जैसा नहीं है कि आपके साथ में फोरमैन इंजीनियर हर 1 घंटा आधा घंटा पे आके बताएगा ऐसा ऐसा है ड्राइंग व्राइंग, यहाँ कुछ भी नहीं है। ड्राइंग आपके हाथ में मिल जाएगा और आपको पूरा दिन उस ड्राइंग पे ही काम करना होता है। तो जिन लोगों को नॉलेज है अच्छे तरह से वो लोगों के लिए यहाँ पे अच्छा है, बाकी जिनको पूरा नॉलेज नहीं है काम का उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वीडियो से हमारा मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग जब भी ट्राई करें तो कोशिश करें कि डायरेक्ट कंपनी के थ्रू आए, तो उससे क्या होगा कि आपको अच्छा बेनिफिट होगा और यहाँ पे। और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिला होगा इस वीडियो से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।